सरप्राइज सरप्राइज गाइस, देखो कौन आ चुका है हमारे साथ। अभी मुझे पता था लेकिन घर में किसी को दीदी बोलने में मना किया था क्योंकि सरप्राइज देना था, इसीलिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। मैं अभी उठ चुका हूँ और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 11:10-15 टाइम हो रहा है। मैं आज काफ़ी लेट करके उठा हूँ क्योंकि आज कॉलेज जाना नहीं है, मतलब कॉलेज तो हम लोग जा नहीं रहे हैं, हम लोग अभी ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग में जा रहे हैं। लेकिन कल वेदर ख़राब था, आज भी वेदर उतना बढ़िया है नहीं। यहाँ से जितना दिख रहा है देखो, वेदर वैसा का वैसा ही है, मतलब धूप तो उतना ज़्यादा उठा नहीं है, ठंड थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं तो अभी उठा हूँ, जस्ट ऐसे घूम रहा हूँ, मुझे ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो मैं पहले फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद ऊपर चलेंगे, दिखाएंगे बाकी सारी चीज़ें। और आज हमने सब ने मिलकर छुट्टी ले लिया, मतलब मस्त बंग हुआ है हमारा छुट्टी, मतलब अनऑफिशियल छुट्टी पूरा। यहाँ का हालत पूरा ख़राब है, पहले तो मैं फ्रेश हो लेता हूँ, फिर देखते हैं। थोड़ी देर पहले धूप नहीं था, अभी थोड़ी देर बाद ही धूप आ चुका है बड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं, अभी 12:30 के आसपास टाइम है, अभी दोपहर का टाइम हो चुका है। अभी अगर धूप नहीं आएगा तो पूरा दिन नहीं रहेगा ना, अभी सही धूप है। चलो उधर से घूम के आते हैं, काफ़ी दिनों के बाद घर में हूँ उस टाइम पे, तो थोड़ा सा घूमते हैं गार्डन की तरफ, क्या हालत है देखते हैं। ये देखो काफ़ी कुछ सही सा, यहाँ पे भी गार्डन में भी थोड़ा बहुत धूप है। नहाना पड़ेगा आज, थोड़ा सा जल्दी नहाना पड़ेगा, घर में हूँ ना तो जल्दी नहाना पड़ेगा ही, नहीं तो ठंड भी लग सकता है। और आज का वेदर भी सही नहीं है, कभी भी धूप उठ रहा है, कभी भी धूप जा रहा है, तो बेहतर होगा जल्दी नहा लेंगे। तो पेड़ों की हालत देखो, जितने भी पुराने पत्ते थे सब चले गए, अभी नए पत्ते भी ऑलमोस्ट आने लगे हैं, सब कुछ सही है, सब ठीक ठाक है। चलो कैफ़े में चलते हैं, कैफ़े खुला हुआ है, गाना सुन रहे हैं। नहीं, 1 बजे जब घर आने का टाइम होता है तब हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा काम से, तो काफ़ी सही है, तो जाने में मज़ा आएगा। अभी पहले जाना है कस्टमर डिपॉजिट पॉइंट में, मतलब चंदन गांव के पास, वहाँ पे डिपॉजिट करना है, उसके बाद वहाँ से जाना है वो बजा जता हुआ एक बार उसको जानते, ठीक है, माया रेटा उसको सुनते जता हुआ पैसा डेर नहीं बजट तो पे जाओ उसे ईयर का जे सुरोवीर का जे उधर ही ले लेंगे। चलो साहु के पास सेम ही डिस्काउंट मिलता है, उधर लिखा हुआ होता है मेन प्लस में कि 50% डिस्काउंट मिलेगा, मिलता 20% से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे भी 17-20 मिल जाता है, यहीं पे ले लेंगे सामने। उधर 1.5-2 किलोमीटर कौन जाएगा, अभी वो भी पैदल कंप्लीट हो गया उधर, मतलब चंदन गांव के पास जो डिपॉजिट करना था वो हो गया, भीड़ था थोड़ा सा लेकिन वो पहचानते हैं तो कर दिया साइड से। और दूसरा यहाँ पे लेना है मेडिसिन, ये वाले शॉप में, यहाँ पे भी बढ़िया डिस्काउंट मिल जाता है। और इधर बच्चे खेल रहे, बच्चे नहीं हैं सारे बड़े, मेरे से भी बड़े हो सकते हैं, पता नहीं चल रहा। तो सुरभि के पास वाले यहाँ पे कुपुदा भी ले रहे हैं मेडिसिन, ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार सब्ज़ी बाज़ार भी जाना है। गाइस बाज़ार से निकलने का टाइम हो चुका है, बाज़ार करके, और अभी भी धूप लोग तो है, 1 बजे से ज़्यादा टाइम है, और आज बिना बैग लाए इतना बाज़ार हो गया, बैग लाते तो और ज़्यादा हो जाता है। आज वैसे पता नहीं था ना निकलते टाइम कि बाज़ार करना है, बाद में घर से फोन आया इसलिए कर लें। अरे की प्यारा, ओहो वेदर तो काफ़ी सही हो चुका है गाइस, एकदम सुबह जब उठे थे तब जैसा वेदर था, उसके बाद में तो थोड़ा सा सही हो गया था, मतलब धूप काफ़ी सही निकला था, उसके बाद से अभी वेदर सही है। अभी 4 बजे के आसपास टाइम है, धूप तो नहीं है, धूप चला गया है, लेकिन चारों तरफ फोड़ापन जो है वो नहीं है, TBC भी सही दिख रहा है, मस्त लग रहा है। यहाँ पे ये क्या चढ़ा हुआ है, इसको उतार देते, नहीं तो किसी के सर पे गिर गया ना उसको चोट लग जाएगा, साइड में कर देते इसको, थोड़ा साइड में रहिए। वैसे वेदर सही है काफ़ी, सूरज ये पेड़ के पीछे है, देखो ऑरेंज कलर का बीच बीच से दिख रहा है, सूरज भी छुपा हुआ है, इतना ठंड में सूरज भी कैसे बाहर आएगा, है ना। तो अभी मेरा थोड़ा सा काम है, मैं यहाँ पे काम करूँगा, थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में आया है वो बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडिया है, मुझे लग रहा है क्रिएटिव है, तो अभी बनाने के बाद जब आप लोग देखोगे आप लोगों को पता चलेगा कि क्रिएटिव है कि नहीं, वो बनाएंगे मैं अभी फ़िलहाल। और 4:30 के आसपास टाइम है, जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक मुझे कंप्लीट करना है वो, नहीं तो अंधेरा हो जाने के बाद ये आर्टिफिशियल लाइट से उतना मज़ा नहीं आता, ये नॉर्मल जो वेदर वाला लाइट जो है ना, नेचुरल वाला, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो करते हैं। चलो फ्रेंड, तो गाइस वहाँ पे है, देखो मफलर पहन के बैठा हुआ है, हमारे यहाँ पे ठंड नहीं है, कुछ लग ही नहीं रहा है, वैसे दादाजी का उम्र भी बहुत ज़्यादा है इसीलिए मफलर पहनना पड़ेगा उनको, हम लोग बाहर तो अंधेरा हो गया है लेकिन ठंड नहीं लग रही सच में। सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत लग रहा था जब अंधेरा नहीं हुआ, मतलब वो रोशनी नहीं निकला था, धूप नहीं निकला था, लेकिन उसके बाद 11:30-12 के बाद से धूप निकल गया, उसके बाद से ठंड नहीं हुआ। बॉक्स में मस्त बज रहा है क्योंकि लैपटॉप का स्पीकर ख़राब है, तो बॉक्स से अलग से साउंड निकालना पड़ रहा है। सरप्राइज सरप्राइज गाइस, देखो कौन आ चुका है हमारे साथ। अभी मुझे पता था लेकिन घर में किसी को दीदी बोलने में
मना किया था क्योंकि सरप्राइज देना था, इसीलिए तो मैंने इसीलिए किसी को बताया नहीं। मुझे दोपहर के टाइम में दीदी ने मैसेज करके बताया था, दी ने, कि हम लोग आ रहे हैं और अभी तो अंधेरा हो चुका है, लेकिन बेबी को लेके जाना है कुछ सामान लाने के लिए, खाना तो चाहिए, बेबी को चॉकलेट वॉकलेट चाहिए, उसके लिए अभी जा रहा हूँ सामने रॉयल्टी मोड में। ये देखो ये बीच वाले जगह में उतना ज़्यादा लाइट नहीं है, इधर तक है उसके आगे नहीं है। तो बेबी हम लोग अभी कहाँ पर चलेंगे? मोंटू दा के दुकान। बेबी और मैं अभी करेंगे थोड़ा सा फन, जैसे बेबी यहाँ पे कर रहा है काला लेके फन, लेकिन हम लोग करेंगे थोड़ा सा डांस प्रैक्टिस, जैसे मैं हमेशा करता रहता हूँ और बेबी आ चुका है, बेबी को भी करने में मजा आता है। तो चेयर हटाते हैं, पहले लग ना जाए, बस साइड में करते हैं, जगह थोड़ा सा खुला रखते हैं, ये जगह खाली रखते हैं। बेबी चलो रेडी, ये वाला लाइट जलाते हैं और ये वाला लाइट जलाते हैं, अब सही है। अभी थोड़ा सा बेबी काम कर रहा है, काम हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस थोड़ा सा। तो चल शुरू करते हैं। ये वाला लाइट तो वैसे ग्रीन वाला लाइट ज़रूरत नहीं है, ये वाला बंद कर देते हैं। नहीं एक काम करते हैं, कैसा लगता है बोलो, ये दो जला दिया, ये वाला और ये वाला बंद कर दिया, अभी सही है? नहीं अभी थोड़ा सा भी सही नहीं, अभी सही है? अभी कैसा लुक है? इसमें प्रैक्टिस करें, इसमें करते हैं, इसमें। अच्छा बेबी को डर लग रहा है, ठीक है, ये वाला जलाता है, ये वाला सही है ना? अभी सही है, स्काई कलर हो गया। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग डांस प्रैक्टिस करेंगे, अभी गाना बजाते हैं फोन में, चलो डांस किए। गाइस मैं थक गया हूँ पूरा, बेबी इतना थका हुआ है, देखो गिर गया है, मैं अभी सो जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ बेबी के साथ, बेबी भी सोया हुआ है, मैं भी। वो कौन सा वो डबल है। वो हाँ वहाँ पे फैन लग जाएगा, इसीलिए है फैन नहीं, वो पर्वत वो छोटा सा लाइट है, वो डगला डगला वो बस कट्टा कट्टा वो अच्छा उस हाँ अच्छा 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 क्या बोला कुछ समझ नहीं आया, लेकिन है कुछ कुछ तो है। हाँ थक गया हूँ गाइस, पूरा थक गया। हाँ बेबी को वहाँ पे कलर मिल गया, वो मस्त कलर कर रहा है उसमें, उसको मज़ा आ रहा है बहुत। देखो गाइस बेबी को देखो, कुछ भी कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, सबके साथ फन कर रहा है। यहाँ पे जो कॉस्मेटिक्स रखा हुआ है, सेंट बॉडी वॉश वॉडी वॉश कितना कुछ रखा हुआ है, वो लेके टाइम पास कर रहा है, हाथों में डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये देखो कंघी लेके कुछ भी कर रहा है, हाथ में बॉडी वॉश डाला हुआ है, कुछ भी कर रहा है। ये देखो क्या हालत किया इसका, टाइम पास कर रहा है पूरा। और ये यहाँ से निकल, देखो अभी देखो, नहीं बेटा मुखे लगी ना, मुखे लगी ना, असली मजा ना आ ना, चलो रखो, असली फन यही कर रहा है, इसको पकड़ने वाला। अभी देखो किचन क्लीनर निकाला है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी चुलटा एक टॉर्च रहना, चलो उल्टा चलना। अभी इसको संभालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसको तो देखो वो अलग टाइम पास कर रहा है, वो कुछ करेगा नहीं, मुझे ही करना है। देखो अभी देखो, अभी असली फन अभी चल रहा है, तो चुल दे चुल ना करो ना, ताई करो ना, यही सब करेगा अभी। अभी इसको संभालते, नहीं तो क्या क्या करने लग जाएगा कुछ पता नहीं, और गिर फिर गया यहाँ पे चोट लग जाएगा, सारे चीजें ऐसे बिखरे पड़ेगा ना। तो फिलहाल आज के लिए ब्लॉग को करते हुए एंड आए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना।